वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहां पर आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देनी है दोस्तों, अगर आप टीचिंग में अगर इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आपके लिए यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा में, और केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा में और एक जगह पर और है वो भी मैं आपको बता दूंगा, दो जगह पर जो है टीचिंग में वैकेंसी आई है। किस में? ये केंद्रीय विद्यालय में। अगर आपने इससे पहले कहीं केंद्रीय विद्यालयों में किया है या फिर आप चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में जो है टीचिंग करना, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक मौका है। इसके बारे में आपको बात करूंगा दोस्तों। यहाँ पर चंपावत में और उसके बाद जो है अल्मोड़ा में, ये दो जगह पर जो है टीचिंग में अभी इस समय आई है वैकेंसी। और इसके लिए कहाँ से अप्लाई करना है और कैसे इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसका पूरा डिटेल अगर आप चाहेंगे तो मुझे जरूर जो है आप अपनी कमेंट में मुझे बताना, फिर मैं उसका एक डिटेल वीडियो बढ़िया करके आपके बता दूंगा कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको जो है इस यहाँ पर वैकेंसी आई है और आपको अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। दोस्तों शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए संविदा आधारित, ये संविदा होती है, परमानेंट पोस्ट नहीं होती है और ये एक सेशन के लिए होती है। निम्नलिखित पदों का पैनल तैयार करने के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को 28-3-2022 तक चल रहे साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो साक्षात्कार चल रहे भाई 28 मार्च 2022 से, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो है 28 तारीख को यहाँ पर इंटरव्यू आमंत्रित किया जाता है आप लोगों के लिए। 28 को आप लोगों को उपस्थित होना है अगर आप यहाँ मतलब चाहते हैं कि यहाँ पर आप KBS में जॉब करें। तो भाई यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप, पदों के विवरण और अनिवार्य योग्यता की विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है वेबसाइट पर जा सकते हैं, almoda.kbsac.in के पर, और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बता दें तो फिर इसके लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा भाई। चलिए उसके बाद स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, हम समझ लेते हैं कि पदों का विवरण किस किस में पद हैं। तो यहाँ पर जो है स्नातकोत्तर में हिंदी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर इतनों में है आपके लिए 28 मार्च को ही आपका इंटरव्यू होना है, प्रातः 9 बजे आपको केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो है उपस्थित होना है, वहीं पर इंटरव्यू होगा। उसके बाद प्रशिक्षित स्नातक का है तो ग्रेजुएशन के लिए है, यहाँ पर अंग्रेजी सामाजिक अध्ययन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये लेक्चरर की होती है ऊपर वाली पोस्ट है और ये नीचे वाली होती है दोस्तों LT के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजी और SST की पोस्ट है, यहाँ पर इंग्लिश और SST के लिए है यहाँ पर को LT में। और अगर प्राथमिक PRT में बात करेंगे तो PRT में जो है सभी है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्टाफ, ये पूरा स्टाफ इसमें और सबकी जरूरत है। अगर चाहेंगे आप तो मैं आपको पूरा इसका भर्तियों का डिटेल भी जो है नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा आप चाहें तो, ठीक है। चलिए यहाँ पर बता दूं मैं आपको, सत्यापन के लिए सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी स्व सत्यापित छाया प्रतियां और पासपोर्ट आकार की फोटो आपको साथ में लेके जानी है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। आपको साथ में जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे इतनी चीजें लेके जानी है। और आवेदन पत्र डाउनलोड करने और पात्रता के बारे में अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहां पर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे विद्यालय में जो चंपावत में आई है, केंद्रीय विद्यालय चंपावत में। तो संविदा शिक्षकों का यहाँ पर भी पैनल पूरा तैयार किया जाएगा इस सेशन के लिए। तो केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बनबसा छावनी के लिए आगामी शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए अंशकालिक संविदा शिक्षकों के पैनल बनाने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षक, उसमें है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट में है स्नातकोत्तर के लिए दोस्तों, ठीक है। तो स्नातकोत्तर में इतने लोगों के लिए होगा, यानी कि लेक्चरर में और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। अगर LT की अगर बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो इतने हैं LT के लिए। मैंने आपको लेक्चरर और LT दोनों का बता दिया है। प्राथमिक शिक्षक, करियर काउंसलर, योग प्रशिक्षक, संगणक प्रशिक्षक, स्टाफ, नर्स और डॉक्टर के पदों के लिए भी आप जो है 28 मार्च और 29 मार्च को साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो साक्षात्कार बिल्कुल अब अल्मोड़ा में भी वही तिथि है और यहाँ पर भी वही तिथि, आप देख सकते हैं जहाँ पर आप प्रेफर करते हैं वहाँ पर आप इसके लिए जा सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर अंग्रेजी, संस्कृत, गणित विज्ञान ये सब मैंने आपको बता दिया, इसकी डेट भी कब होना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। स्नातकोत्तर शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के लिए साक्षात्कार की दिनांक जो 28 मार्च को है, और उसके बाद अगर LT के टीचर की बात करेंगे तो उसके लिए 29 तारीख को प्रातः 9 बजे से इसके इंटरव्यू का टाइम रखा गया है।
अगर आप इसके आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट जो है ये देख सकते हैं, आप मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरा इसको अच्छे तरीके से भर करके अपने जो मूल दस्तावेज है ठीक है उसका एक सेट फोटोकॉपी के साथ साक्षात्कार के दिन उपस्थित आपको होना है वहाँ पर ठीक है। जो आपके मूल डॉक्यूमेंट हैं और जो फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोडेड है उस फॉर्म को लेकर के और जो है जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको अपने साथ एक फोटो स्टेट कॉपियां करके वो अपने साथ लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जैसे मानदेय है, उसकी शैक्षिक योग्यता है और अन्य जानकारी जो है वेबसाइट पर अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूं, पूरा आपको समझा दूंगा। तो साथियों इस वीडियो में यही आपको बताना था कि यहां पर ये पोस्ट आई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।